नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में सियासी बयान है, हर ओर वादे की भरमार है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद ही सही, आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया। 50 पन्नों के गौरव संकल्प पत्र में कमल के कर्णधारों ने अपने वादों, दावों और इरादों का इजहार किया। अब अरब सागर मरुधरा की प्यास बुझाएगा। हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 5 सालों में 50 लाख रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को 5,000 तक भत्ता दिया जाएगा, 12 नए बोर्ड और 2 आयोग बनाने की भी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में हैप्पीनेस इंडेक्स का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस पर हाथ ने भी हाथों हाथ हमला कर दिया। किसानों की आय को कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप फंड अलग से हम बनाने का काम कर। पिछले 5 साल में जो आपने धोखा दिया जनता को, जो विश्वासघात किया है, उसका तो आपको सबक जनता सिखाएगी 7 तारीख। ऋण देने के लिए हम लोग अभियान चलाकर 1,00,000 करोड़ के सहकारी ऋण अगले 5 साल के अंदर देने का काम करेंगे। नौकरियों में छटनी हो गई, नरेगा को समाप्त कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का काम किया जाएगा। एनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं, बलात्कार यहाँ पर हुए हैं, आत्महत्या यहाँ पर हो रही है, नौजवान ट्रेन के आगे अपनी जान दे रहे हैं बेरोजगारी के आलम से परेशान होकर, तो किस बात की हैप्पीनेस है? किसी भी सियासी दल का घोषणा पत्र दरअसल उस राम राज्य की कल्पना की तरह है, जिसे महसूस करना जितना आसान और सुखद होता है, लेकिन साकार करना उतना ही मुश्किल। तो क्या कमल का संकल्प बनेगा इस बार भी विकल्प? क्या 50 पन्नों के वादे 5 साल में धरातल पर उतरेंगे? क्या कांग्रेस इससे भी लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करेगी? तो क्या बीजेपी का घोषणा पत्र जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या घोषणा पत्र से प्रभावित होकर मतदाता का मूड बदलेगा? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी, आप नेता राजकुमार कोछोर जी और साथ ही यहाँ पर मौजूद है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मालवीय नगर का रुख कर लेते हैं। अशोक गहलोत इस वक्त चुनावी सभा को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। माहौल बहुत शानदार है। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, दौसा जाते गया हूँ, यही माहौल देखने को मिल रहा है। इसके मायने है जनता में जो गुस्सा है वो पूछती, वसुंधरा जी को पूछती है हमारा कसूर क्या था। पिछले चुनाव में हमने आपको इतना भारी बहुमत दिया और आपने उस बहुमत आदर नहीं किया, हमारी बेइज्जती करी, तमाम जो योजनाएं थी वो ठप कर दिया, उनको ठप कर दिया। ये समझ में पड़े है दिया आपको, तमाम योजनाएं बंद कर दी। जयपुर में आ रहा था सीतापुर से अंबाबाड़ी तक 22 किलोमीटर की मेट्रो आ रही थी, एमआई रोड पे अंडरग्राउंड जा रही थी, उसको बंद क्यों किया? रिफाइनरी को बंद क्यों किया? 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो बर्बाद कर दिया। बांध बनना था हड़ौती के अंदर, एक फुलका क्षेत्र था, सिर्फ इसलिए पुरानी गवर्नमेंट को, कांग्रेस को श्रेय मिलेगा, ठप कर दिया उसको। आदिवासी ट्रेन देखी नहीं है वहां पर। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। अहम सवाल यहाँ पर रहेगा सबसे पहले मुकेश पारिक जी, क्योंकि बीजेपी का ये संकल्प पत्र है, कितना बैलेंस्ड आप इसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश है, पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों को भी यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, ये एक अपने आप में परिपूर्ण है। हम 2013 में सुराज संकल्प पत्र लेके हम उतरे थे और हमने जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर हम खरे उतरे।
और हमने उन जिस वादों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे उसको हमने एक पवित्र हमारा संकल्प माना और उसके आधार पर हम पूरा सरकार में रहकर उसके कार्य किए और उन कार्यों के आधार पर सरकार ने और इस प्रदेश ने उस कारण से गति पकड़ी और एक विकास के नए आयाम स्थापित हुए। अगर हम पिछले जो कांग्रेस की सरकार जो 2008 से 13 के बीच में थी उन्होंने इस प्रदेश में 1,50,000 करोड़ रुपए व्यय किए और हमने इन 5 सालों में 4,25,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश में सरकार के द्वारा व्यय किए। बातों को लेकर जो संकल्प आपने किया था मुकेश जी, देखिए जो संकल्प आपने किया था जिसे बातों को लेकर आए थे उसे आप पूरा कर रहे हैं, आपके मान रहे हैं। और मैं आपको पिछला बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान सरकार को बेस्ट ई गवर्नेंस की तरफ से अवार्ड मिला। 2017-18 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हम तो अभी की बात करते हैं सर, अभी की बात करते हैं सुशील जी। हाँ, अभी पिछले जो वादे किए गए तो उसमें खरे उतरे हैं, ये कहना है मुकेश जी का। सुशील जी देखिए, 100 किसानों की और 56 विद्यार्थी मित्रों की आत्महत्या और एक या दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से मौत, उसके बाद अगर वसुंधरा जी को महारानी होने के नाते हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाई देता है तो ये प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का घोर अपमान है। पहली बात, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स का पैरामीटर लाया जाएगा तो ये माइनस में है आज की तारीख में, तो प्रदेश की जनता उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये इधर उधर की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि घोषणा पत्र में जो आपने बातें कही वो पिछले चुनाव की रिपीटिशन है अगर योजनाओं पर जाएं। लेकिन यहाँ हमारे साथी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं एक मुद्दे को टच करूंगा। आज 1.5 लाख पद खाली हैं और आप उस पर कह रहे हो कि इनमें से 30,000 हर साल देंगे, तो इसका मतलब आप खाली रखोगे पदों को तो और जो रिटायर होंगे उनका क्या होगा? 40 लाख हमने नौकरियां दे दी और अहम सवाल उपेन जी से ही ले लेते हैं। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं। उपेन जी, बेरोजगार संघ से हैं आप, रोजगार को लेकर बहुत बार सवाल उठते रहे कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा, उसके लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से 50 लाख निजी संस्थानों में नौकरी 5 सालों में दी जाएगी और हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां, कितना विश्वास इस पर किया जाए? सविता जी, मैं दो चीज पूछना चाहूंगा। इनका पहले का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 15 नंबर 20 और 4 नंबर बिंदु में कह रखा है कि हम विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करेंगे, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालेंगे, RTET खत्म करेंगे और जो परीक्षा देने जाएंगे विद्यार्थी उनका किराया माफ करेंगे। और इसके अलावा 1,06,548 भर्तियां लंबित है वर्तमान सरकार की और कांग्रेस सरकार की 68,000 भर्तियां लंबित है, उनका कुछ किया नहीं, पहले वाले वादे पूरे नहीं है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुमला दिया है। आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, 4 लोगों ने अलवर में आत्महत्या की, 26 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या की, 1 रीट के अभ्यर्थी ने आत्महत्या की, इसके जिम्मेदार कौन है? और राजनीति बेरोजगारों के नाम पे कर रहे हैं, पूरे वादे अधूरे नहीं। 15 लाख नौकरियों का वादा किया, मेरे पास वो वसुंधरा राजे का वीडियो है, 15 लाख नौकरियां बोले थी, अब क्या कह रहे हैं कि हम तो सरजीत के लिए कहा था और अभी बीच में 9 नवंबर को क्या कह रहे हैं, 44 लाख हमने नौकरियां निकाल दी, दे दी, 15 का वादा किया था। ये जुमला है, ये सबसे बड़ा जुमला है, बेरोजगारी जुमले में नहीं आएंगे और आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे। जुमले में अब नहीं आने वाला कोई, आप लोग कह रहे हैं कि पिछले जो वादे किए पूरे उसमें खरे उतरे हैं हम, तो फिर देखिए ना, बैठे उपेन जी यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। नहीं, तस्वीर और नजर नहीं आ रही है। युवाओं को स्वरोजगार के योग्य बनाना, चाहे वो हमारे मुद्रा योजना जो थी उसके लोन के माध्यम से हमारे कई युवाओं ने अपने स्वयं के धंधे स्थापित किए और आज वो अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं नहीं वही बता रहा हूँ जो हमने 15 लाख के किए, 15 लाख जो रोजगार की जो बात कर रहे हैं उसमें सरकारी नौकरियां ही नहीं, उसमें आपका जो देखिए स्किल इंडिया और उसके द्वारा जो हमारे युवाओं को गोल-गोल बातें की जाएंगी, उसमें ये भी था, उसमें वो भी था, तो फिर जब संकल्प पत्र आता है तो साफ साफ क्यों नहीं लिखा जाता है उसमें? नहीं, बिल्कुल साफ, अभी अभी भी हमने साफ लिखा है। सुशील जी कुछ कह रहे हैं इस पर, आप बताइए फिर राजकुमार जी से सवाल लेना है। ठीक है, मुद्रा योजना का औसत 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, 23,000 रुपए में चाय की दुकान नहीं लगती, पकौड़े की नहीं लगती, या पान की त्रिपुरा के सीएम कहते हैं क्योंकि मेक इन इंडिया तो इसलिए नहीं हो रहा है, बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है, पटेल की मूर्ति चाइना से आ रही है और राफेल जो है फ्रांस से आ रहा है, वो तो सब मेक इन इंडिया तो खत्म कर दिया। अब रह गई बात, मैं एक किसानों के बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि MSP की खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ किया जाएगा, पिछले घोषणा पत्र में था कि इसका स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा। अरे भाई, स्थायी तंत्र अगर विकसित हो गया तो पारदर्शी और सुदृढ़ क्या करोगे? उसमें तो टोकन तो सारे बिचौलिए ले जा रहे हैं और आपको पता है किस तरह का यहाँ पर एक नेटवर्क हो गया है वसुंधरा जी के राज में, जो नाफेड और राजफेड MSP पे माल खरीदता है
वो 3 महीने 2 महीने बाद वापस बेचता है मंडी में और वो एमएसपी से कम दाम पे बिल्कुल और इसको भी इसमें बड़ा गंभीर विषय है। देखिए आप अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ और वो बिचौलिए सवाई माधोपुर जैसलमेर नागौर में रजिस्ट्रेशन करा के राजकुमार जी एक अहम बिंदु ये भी कर्मचारियों को लेकर जिसको सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका रहती है। कर्मचारी किस तरह से नाराज थे, लगातार हड़ताल होती रही और अब अगर आज के घोषणा पत्र की बात की जाए तो 29 नंबर पेज में कर्मचारियों के लिए हैं 20 वादे यहाँ पर किए गए। नहीं मैं सविता जी मैं आपको बता दूं, देखो घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता के विश्वास पैदा करने वाली चीज होती है। घोषणा पत्र पर खरा नहीं उतरता तो जनता से विश्वास राजनीतिक पार्टी का उठ रहा है। अब बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है तो बीजेपी घोषणा पत्र के बारे में बता दूं कि कल परसों इनके टीवी डिबेट में या चुनाव के बाद में इनके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बोल देगा कि चुनाव में तो ऐसी बातें कही जाती है, ये तो जुमला है और ये जुमला पत्र इन्होंने जुमला पत्र घोषित किया है, इन्होंने कोई वैसा वादा नहीं किया। और राष्ट्रीय प्रवक्ता बोला बेरोजगार को देंगे जवाब दीजिए पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं, आप पार्टी का है काम झूठ बोलने का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हमारी घोषणा पत्र दिल्ली में लागू किया उसको 3.5 साल में पूरा किया, जो घोषणा पत्र में नहीं था बोलना वो भी पूरा किया है। आपके आप अपने अगर आपके पास विकास का काम होता तो आज अली और बजरंगबली सभाओं में नहीं बोलने पड़ते। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, आप धर्म के नाम पर राजनीति। लेकिन मुकेश जी जो सवाल आपसे किया उसका जवाब दीजिए, उनको छोड़िए। मुकेश जी क्या सिद्धांतों से परे जा रही है बीजेपी, क्या सिद्धांतों से पलट रही है बीजेपी? मुकेश जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ठीक है ठीक है, सवाल ले रहे हैं राजकुमार जी सवाल ले रहे हैं मुकेश जी आप ये जवाब दीजिए। एक मिनट राजकुमार जी एक मिनट ठीक है, राहुल गांधी ठीक है मुकेश जी फिर आप लोग आगे वही राहुल गांधी पर वही अमित शाह पर घोषणा पत्र में बात मत करिएगा, संकल्प पत्र में बात मत करिएगा। इन्होंने झूठ बोला ठीक है, उसकी मुकेश जी एक बात जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों से पलट रही है? अगर एक तरफ बात की जाती है कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम पंगू नहीं बनाना चाहते, काम चोर हो जाते हैं, हम उन्हें का स्किल डेवलप करेंगे, फिर अब ये बेरोजगारी भत्ता 5,000 तक के देने के बाद कहां से आ गए? इसमें कहां फर्क है? अगर हमने कहा है कि 21 साल से अधिक आयु के ऐसे जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं और उसकी नीति बना के और उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, साथ ही साथ उनका स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें कहां गलत किया है? और सुनिए नहीं क्या है हर चीज का नियम बनता है ना, अभी ये कहा जा रहा है जब वो बात आ जाएगी तो फिर बोले ऐसा नहीं ऐसा कहा गया है, क्लियर साफ नहीं किया, साफ नहीं करते आप, दो तरह की बातें रहती है। ऐसा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 सालों में काम किया है, जो विकास किया है वो सबके सामने है। आज हर क्षेत्र में आज पहले कांग्रेस के समय बिजली आती नहीं थी, ये सबके सामने मैं बेरोजगारी भत्ते पे ही बोल रहा हूँ। अभी 500 और 650 बेरोजगारी भत्ता मिलता है केवल 48,000 लोगों को, उनको ही नहीं दे रही है भाजपा सरकार, लाखों लोगों के फॉर्म भरे हुए हैं, ये 5,000 देने की नीयत तो उसी से साफ हो रही है। केवल पूरे प्रदेश में मैं चुनौती दे रहा हूँ, 48,000 लोगों को। आपका घोषणा पत्र आप क्या कर रहे हो बेरोजगारों के लिए बता दीजिए, आ जाएगा ना तो बता दीजिए।
आपको घोषणा पड़ जाएगा। देखिए आपका भी घोषणा पत्र आया ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे फिर हम कंपैरिजन करेंगे। अभी तो बड़ी बातें हो रही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। अगर आप पहले करते थे तो हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है यहाँ पर मुकेश जी, बिल्कुल काफी गंभीर मुद्दे थे लेकिन प्रदेश में उसका पिछले साल सर्वे में 17वें नंबर पर राजस्थान, 17वें नंबर पर राजस्थान। आज प्रदेश में उनके लिए क्या घोषणा की, आज के खाना के ऊपर उन्होंने क्या किया, आज प्रदेश में खानों में चल रहा है उसी पे क्या किया। आप बोलिए बिल्कुल, आप बोलिए पॉलिसी पे कुछ है। आचार संहिता लगने से पहले 20 दिन तक रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर थे, रोडवेज बंद थी, रोडवेज आम आदमी की जिंदगी है। अरे हड़ताल क्या किया ऑर्गेनाइजेशन करने का, कर्मचारियों को भी साथ की आयोग और बोर्ड के गठन की बात की गई है और हम किसी जाति वर्ग में नहीं जाते हैं, लेकिन लेकिन क्या है ये रूठों को मनाने की कवायद है कहीं ना कहीं, अगर जीत गए तो जो रूठे हुए हैं उन्हें कहां सेट करेंगे। मुकेश जी इसका जवाब दीजिए क्योंकि वक्त कम है। मुकेश जी इसका जवाब बोर्ड और आयोग के गठन के पीछे का इसको का हम किस तरह से समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों को साधने की कोशिश है। ये जो लिस्ट एक है 13 है यहाँ पर, ये यही नजर आ रहा है। आप खाली अगड़ों की बात मत करिए, नहीं हम तो कह रहे हैं सोने का काम करते हैं उनके लिए, पिछड़ों के साथ जो चांदी का काम करते हैं उनके लिए है, जो कास्ट का काम करते हैं लकड़ी का काम करते हैं उनके लिए है। पहले हमने केश कला बोर्ड बना, ये किसके लिए है, जो मतलब आप जो हर क्षेत्र में जो काम करते हैं वो उनके लिए रोजगार नहीं उपलब्ध होगा। आप बोर्ड क्या करेगा और यही इसे रूठोगरी लॉलीपॉप नहीं समझे मुकेश जी, मुकेश जी इसे रूठों के लिए लॉलीपॉप नहीं समझे। बीजेपी में भी कितने लोगों की नाराजगी है, ये बोर्ड का गठन करके क्या कुछ साधने की कोशिश की जा रही है सबको पता है विस्तार से। अब हम ऐसा नहीं है, बोर्ड का गठन करने के पीछे उद्देश्य होता है उस पर्टिकुलर जिसके कारण बोर्ड गठन किया उससे हाँ। का कल्याण हो विस्तार हो इसके लिए बोर्ड का गठन किया जाता है, लेकिन बोर्ड कोई साधने के लिए नहीं होता है। इनकी सरकार में कल्याण होगा नहीं होगा, बिल्कुल जहाँ मुक्ति धाम होगा मुक्ति धाम साफ सुथरा कहते हैं गाँव में टॉयलेट बना उससे क्या लाभ होगा, आप तो कल को ये भी कह देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र सामने आया बीजेपी का, ये संकल्प है या विकल्प है, क्योंकि 50 पन्नों का ये गौरव संकल्प पत्र है। बड़ी बात ये है कि विजन बहुत होते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं, वादों की पोटली भी कह सकते हैं हम इसे, लेकिन क्या इस पर खरे उतरेगी बीजेपी और क्या ये जो वादे किए गए इसके साथ आम जनता जाएगी, क्योंकि नाराजगी भी बहुत लोगों की, हालांकि हर किसी को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें सफल कितनी होती है बीजेपी ये देखना होगा। हालांकि इंतजार है अभी कि कांग्रेस का भी पत्र यहाँ पर सामने आया, तब तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसकी प्रायोरिटी में प्राथमिकता में कौन ज्यादा रहता है। चलिए इसी साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।